और नेताजी आए। हाँ नेताजी आएंगे। अरे ये पिछड़ जाओ, ऐसे रहिए। दूसरा चेला बोला, अरे वो दूषित दूध है, अगर भगवान पे दूध दिया। नेताजी गए बजरंग बली के पास। क्या कहाँ जाऊंगा, नहीं नहीं एक्चुअली होगा। चलिए रेडी, बैलेंस कराओ पीछे। बैलेंस 55 रुपए लीटर है, मालूम है तुम्हें? हाँ भगवान दास, वो देखो उन्होंने उसे पैसे दिए। कोई भरोसा है इनका? देख रहा था भीड़ की आंखें थोड़ी होती है यार, मारेंगे रख के। क्या बता इनका, अरे क्या कह रहे हो, बड़बड़ाते रहते हो। देख रहा था ये धंधा काम तुमसे नहीं हो सकता। अरे ये करो, ये तो होता नहीं है कि आके आधा गिलास दूध हनुमान जी को पिला दो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। अरे पापा जी, ये जो कष्ट है इसका क्या करूं? How can I? ओके गुड, ठीक है। इतना यार मार पड़वाओगे तुम? अरे भीड़ की कोई आंखें थोड़ी होती है। देख वाह, दूध की नदियां बहने लगी। अरे रोको सिवाय, देखो मेरे भाई ये सब क्या है, 55 रुपए लीटर दूध हो गए। था देखो रोलिंग जीप के लिए बोलिएगा। बच्चे को देखा, भूखा पैसा बच्चे बच्चे का देख रहा है। अरे शिवाय, अरे रोको इनको, रोकते क्यों नहीं हो? ये गलत है, इट्स रॉन्ग। अरे 55 रुपए लीटर था वो, देखो क्या शिवाय ये गलत है भाई, रोको, रोकते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं रोकते हो? अरे जान लो यार, मैं क्यों रोकूं? मार पड़वाओगे तुम? भीड़ की कोई आंखें थोड़ी होती है। धेत तड़ातर मार दिया तो कौन, क्या भरोसा है इनका? अकेले में बड़बड़ाते रहना, तड़ा तड़ा पड़ा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। अरे पापा जी थोड़ा देर आ जाना दादा, ठीक है रेडी ओके। भगवान दास, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, अपनी बीवी का ये रूप कैसा लग रहा है? अब ये पूछिए मत, ये तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है इस वक्त मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कसम से। क्योंकि किसी की पत्नी छिन जाए, भाग जाए या किसी और लफड़ाए वो तो समझ में आता है, लेकिन घर में बेडरूम में साथ में रहते हुए जब पत्नी पत्नी अपनी ना रहे, क्या हालत होती होगी। आओ बॉबी से बॉबीश्वरी देवी, मतलब ये अचानक से हो क्या गया? वो ऐसा है कि विलिंगली नहीं हुआ है, लेकिन बॉबी को अपनी बिलीफ ही कहीं मिसगाइड कर रही है, तो शायद उसकी बिलीफ ही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो चीज हो रही है कि बॉबी को लोगों ने देवी बना दिया है, बॉबीश्वरी माता। और भगवान दास को क्या लग रहा है, पूरे गली पूरा मोहल्ला बॉबीश्वरी देवी की जय जयकार कर रहा है, और जैसे हम देख रहे हैं भगवान दास बहुत ज्यादा ही गुस्से में है इन लोगों की हरकतों को देख कर। गुस्सा तो आएगा ही, मतलब एक गलत चीजें होंगी तो। अरे हमारे साथ, मतलब हमारी सिंपल सी वाइफ कानपुर की रहने वाली, मतलब भगवान बना दिया उनको, ऐसे कैसे भाई? और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब ये नहीं कि हमें भी भगवान बनाओ, मैं तो भगवान हूँ ही, बात वो नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई कि उसको मतलब भगवान बना दो आप? और तुरंत बैठे बैठे भजन भी बन गया है, मतलब इनके नाम का। बिल्कुल भजन भी बन गया है बॉबीश्वरी देवी के ऊपर। कभी सोचा था अपनी बीवी का ये अवतार देखने को मिलेगा? सपने में कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, हमें लगा था वही हम बस लड़ाई करते रहेंगे, खाने पे पीने पे बच्चों पे इस पे इतने रुपए पे इसकी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ आएगा ये एपिसोड में कुछ अजीब ही हो रहा है। अच्छा बॉबी जी, ये बताइए जैसे देख रहे हैं आप अपने पति को कुछ ग्लोरी गाकर शायद चला रही हैं। अब जैसे कि मैं जगत माता बन गई हूँ तो डेफिनेटली जगत में ये भी शामिल है जो मेरे पति हैं, तो मेरे लिए इस किरदार में तो मेरे लिए ये बालक ही हुए मेरे, तो बालक को जब नींद नहीं आती है तो आइडियली माता क्या करती है, तो वो लोरी सुनाती है, तो वही काम मैं कर रही हूँ जगत माता का।
दादी नानी से कहानियां हमने सुनी थी, वो लोरी सुनते हैं, लेकिन बीवी लोरी गा के सुनाएगी? बीबी सुलाएगी मतलब माता की तरह, मतलब माँ, मुझे अपनी पत्नी को माँ बोलना पड़ रहा है। आई नो मतलब माँ समान होती है, माँ जैसा केयर करती है, लेकिन माँ बोलें ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा, इसका एंड क्या होगा। मतलब अपनी बीबी का ये रूप देखकर अगर ये कहे कि भगवान दास को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, एक झटका नहीं कम से कम भी 20 झटके लग रहे हैं इस एपिसोड में इस कहानी के। ओके तो ये बताइए बॉबी जी, अभी जो गोपेश्वरी देवी आप बन गई, तो क्या क्या किस किस किन किन लोगों का उद्धार करने वाली और अपने पति पर कुछ इनायत बरतने वाली हैं? गोपेश्वरी देवी तो मैं बन गई हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भगवान दास का इस सीरियल में जो काम है, मतलब ये जो लोगों की प्रॉब्लम अपनी समझ के उसको जो हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रॉब्लम शुरू भी तो होनी चाहिए। तो इस बार निमित्त मुझे बनाया है कि मुझसे प्रॉब्लम शुरू होती है, तो मैं क्रिएट ही ना करूंगी तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा फाइनली लास्टली इस पूरे मसले में दूध का भी बहुत बड़ा, एक दूध की भी बहुत बड़ी कहानी, तो वो क्या हो रहा है कि दूध पे दूध लोग, ये दूध का क्या चक्कर है भाई बताओ? वो बॉबी को सपने में हनुमान जी दिखे थे कि उनको दूध पीना है, भूख लगी है, और उनको वो कितना भी दूध पिलाती है तो उनका पेट ही नहीं भर रहा है। अब बॉबी को ये चिंता हो जाती है कि और किस तरह से उनका पेट भरा जाए, तो बॉबी उनको और दूध चढ़ा दिया जा जाके। ये लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हनुमान जी अब दूध पी रहे हैं, जैसा पागलपन होता है हमारे यहाँ पर कि भगवान दूध पीते हैं, देवता दूध पीते हैं, जा जाके मंदिरों में मूर्तियों को दूध चढ़ाते हैं लोग, इतना दूध वेस्ट हो जाता है। पर आखिरकार इस बात की खुशी है कि हम कुछ अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं इस शो के या इस एपिसोड के दौरान, कि जितना हम वेस्ट करते हैं वो शायद वो ज़रूरी नहीं है, जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ पहुँचे वो दूध, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। भक्तों के भक्त खड़े हैं तेरे द्वार मैया श्री गोपेश्वरी, बोलो भक्त खड़े हैं तेरे द्वार मैया श्री गोपेश्वरी, भक्तों की लगी है पुकार मैया श्री गोपेश्वरी, बोलो गोपेश्वरी मैया की जय, बोलो गोपेश्वरी मैया की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। भाई साहब आज ये दूध नहीं पिला सकते, रुकिए भाई साहब रुकिए, आज से ये दूध नहीं पियेंगे हनुमान। क्यों भाई? क्यों हनुमान जी भाई, केस हो जाएगा काम का, केस हो जाएगा हनुमान जी, बोलोगे नहीं तो। आज ये दूध नहीं पियेंगे हनुमान जी, दूध नहीं पियेंगे। क्यों भाई? क्यों नहीं पियेंगे? हनुमान संस्थान कुत्ते वाली गली का दूध पियेंगे। फास्ट हो रहा है ये जो है। अरे रुके रुके भाई साहब रुकिए, आज से ये दूध नहीं पियेंगे हनुमान जी।